गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है रिलेशन। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है पर रिलेशन। देखो यार, रिलेशन होता की है। रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए। रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कहना जो रिलेशन बनेगा ना वो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पिछली एक्सरसाइज किया है वह सबसेट बनेगा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म च ही रिलेशन दिता होगा सानू। अगे डेफिनेशन नोट कर लो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दिना तुहानू। डोमेन, सब तो पहली डेफिनेशन है कि डोमेन की होंगी। डोमेन द सेट ऑफ आल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर इज कॉल्ड। तुसी ये भी लिख सकते फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। सेकेंड डेफिनेशन देखो जरा। सेकेंड डेफिनेशन है अपने को रेंज। पहली डोमेन की बाद च अपना रेंज की। कोमे तो पहला नंबर होएगा डोमेन च, कोमे तो बाद नंबर होएगा रेंज। सारी डेफिनेशन सेम ही है, बस जिते फर्स्ट वर्ड लगा उत्थे वर्ड ला दिओ सेकंड। सेट ऑफ आल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर। अगे गा कोडोमेन द कंप्लीट सेट बी। मैं एक्सप्लेन करदा वा, डेफिनेशन देख लो भाई, मैं एक्सप्लेन करदा। कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जड़ा रेंज है वह हमेशा कोडोमेन का सबसेट बनेगा। इदा डेफिनेशन तो हो सकता घट क्लीयर हों। रिलेशन ना आप दो तरीके से रिप्रजेंट कर सकते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन की जड़ी विजुअल रिप्रजेंटेशन होंगी वो एरो डायग्राम होंगी है। रिलेशन नू आपां एरो डायग्राम च भी रिप्रजेंट कर सकते हैं। एरो डायग्राम मैं सारे बना के दसांगा की होंगे। सम करते हैं, थोड़ा समझ क्लीयर हो जाता, ऐदा क्लीयर नहीं होंगे। एक फार्मूला लिख लो, फार्मूला काम आना तुहाडा। नंबर ऑफ रिलेशनस, मान लो सैट ए च अपने को एलीमेंट है एम,
सैट बी च गए है एन जिदा पी ला लो कल पी किया चलो सैट ए एलीमेंट है पी सैट बी च एलीमेंट है क्यू नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सैट ए टू सैट बी इज इक्वल टू टू की पावर पी क्यू जिहड़ा नंबर ऑफ सबसैट का फार्मूला ही ना उही नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला टू की पावर पी क्यू ये अपनी बेसिक डेफिनेशन है आपको सम स्टार्ट कर लगे देखो जरा पहला सम एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन सैट ए दिता हुआ आप सैट ए की वैल्यू की 1 तो लैके 14 तक ये आपको क्वेश्चन से दिता हुआ 1 तो लैके 14 तक अगे देखो जरा डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए ए तो लैके ए तक रिलेशन डिफाइन करना है रिलेशन किदा दिता हुआ आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई दिता है रिलेशन की फॉर्म हैगी आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच डैट 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सैट ए एक्स भी सैट ए नू बिलोंग करना चाहिए वाई भी सैट ए नू बिलोंग करना चाहिए रिलेशन बनाना ए तो लैके ए तक राइट डाउन इट्स डोमेन कोड मेन एंड रेंज देखो जरा किदा क्वेश्चन करना सोल्व डोमेन कोड मेन रेंज सब कुछ लिखना आप रिलेशन है ए तो लैके ए तक रिलेशन बना है आपां नूं दित्ता 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो सोल्यूशन स्टार्ट कर लगे हाँ एक्स कोमा वाई तुसीं लिख लो 3x इक्वल टू वाई वेयर एक्स कोमा वाई बिलोंगस टू सैट ए एक्स कोमा वाई बिलोंगस टू सैट ए माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो गया ना हुण एक्स की वैल्यू जे 1 भरोगे सैट ए च 1 भी हैगा एक्स की वैल्यू 1 भरांगे ए रिलेशन दी दित्ती हुई सैट बिल्डर फॉर्म ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਵਾਈ ਦੀ 3 ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ 1.3 ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਭਰਾਂਗੇ ਵਾਈ ਦੀ ਹੋਣੀ 6 3 ਭਰਾਂਗੇ 9 4 ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ 5 ਵੈਲਿਊ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 5 ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 15 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈੱਟ ਏਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ 14 ਤੱਕ उन्होंने कहा ही एक्स भी सैट ए नू बिलोंग करना चाहिए वाई भी सैट ए नू बिलोंग करना चाहिए दोवें बिलोंग करने चाहिए सैट ए नू जे एक्स की वैल्यू आप भरांगे 5 वाई 15 आ जाएगा 15 सैट ए विच नहीं है अपने कोल ए रिलेशन बन गया अपने कोल हुण कोमे तो पहला वाले नंबर आने डोमेन उन्होंने कहा डोमेन कोड मेन ते रेंज लिखो कोमे तो पहला है 1 है 2 है 3 है 4 है ये हैगी डोमेन रेंज आने कोमे तो बाद वाले जिहड़े रिलेशन च रोस्टर होम की रिलेशन च 3 6 9 12 कोड मेन होंदा बाद वाला सारा सैट कोड मेन होंदा बाद वाला सैट रिलेशन कितों डिफाइन ए तो लैके ए तक जिहड़ा राइट हैंड साइड ते सैट पिया होंदा ना वह होंदी कोड मेन वह होंदी कोड मेन इधर डोमेन होंगी इधर कोड मेन होंगी यानी कि कोड मेन बन जाएगा 1 तो लैके 14 तक सैट ए ही है ना पूरा सैट ए ही है कोड मेन बन जाएगा 1 तो लैके 14 तक यह पहला क्वेश्चन ही बड़ा ईजी क्वेश्चन ही बड़े आराम पता चल जाएगा नहीं पता लगेगा दोबारा वीडियो देख लो चल जाएगा पता सैकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो जरा डिफाइन रिलेशन आर ऑन दी सैट एन ऑफ नैचुरल नंबर by r is equal to xy y is equal to x plus 5 x is a natural number less than 4 x natural number ਦਿੱਤਾ ਹੈ less than 4 ਯਾਨੀ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ 1 2 3 xy ਦੋਵੇਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ n ਨੂੰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਡਿਪਿਕਟ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਇਟਸ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ मैं रिलेशन दसन लगा तुहानू सैकेंड क्वेश्चन उन्होंने लिखा आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई बाद लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू लिखा एक्स प्लस फाइव एक्स इज ए नैचुरल नंबर समझ दिता नैचुरल नंबर लैस दैन फोर
लैस दैन फोर एक्स कोमा वाई दोवें एन नू बिलोंग करते पेने रिलेशन बनाओ चार तो छोटा नैचुरल नंबर एक्स की कड़ी वैल्यू बनेगी एक्स की वैल्यू वन टू थ्री बनेगी ना जो एक्स की वैल्यू आप वन भरा एक्स की वैल्यू वन भरा वाई की सिक्स होनी है एक्स की वैल्यू टू भरा वाई सैवन होना एक्स की वैल्यू थ्री भरा वाई एट होना यह रिलेशन है अपने को हूँ उन्होंने कहा डोमेन दसो तो रेंज दसो डोमेन कोमे तो पहला नंबर है कि डोमेन वन टू थ्री रेंज है कोमे तो बाद नंबर कोमे तो बाद है सिक्स सैवन एट रेंज हैगी अपने को सिंपल जी गल है कोमे तो पहला नंबर डोमेन हो गए कोमे तो बाद हो गए रेंज अगला क्वेश्चन देखो जरा थर्ड क्वेश्चन सैट ए दिता है वन टू थ्री फाइव सैट बी दिता फोर सिक्स नाइन डिफाइन रिलेशन आर टू बी रिलेशन कितना बना है आर ए तो लैके बी तक एक्स वाई डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड एक्स सैट ए नू बिलोंग करना चाहिए वाई सैट बी नू बिलोंग करना चाहिए एक्स वाई च डिफरेंस ओड होना चाहिए एक्स ए नू बिलोंग करना चाहिए वाई बी नू राइट आर इन रोस्टर फॉर्म बस रोस्टर फॉर्म लिखनी है जी आप डोमेन तो रेंज नहीं लिखनी रोस्टर फॉर्म लिखनी डोमेन तो रेंज नहीं लिखनी जरा थर्ड क्वेश्चन है पहले मैं क्वेश्चन लिखागा क्वेश्चन च कंडीशन की दी हुई आप सैट ए दिता है वन टू थ्री फाइव सैट बी दिता है आप फोर सिक्स नाइन रिलेशन बनाना आर ए तो लैके बी तक रिलेशन दिता है एक्स कोमा वाई डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड एक्स बिलोंग करता पा सैट ए नू वाई बिलोंग करता पा सैट बी नू डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड हूँ वेखो कि बनने रिलेशन माइनस थ्री भी ओड नंबर है जी थोड़ा ध्यान रखियो हूँ सैट ए चो जो वन चुक लाँगे इधरों फोर चुकना पैना है क्योंकि वन कोमा फोर का डिफरेंस है माइनस थ्री वह ओड नंबर है जे थ्री ओड है तो माइनस थ्री भी ओड है सैट ए चो वन चुकना है इधरों सिक्स चुकना है इन्हों का डिफरेंस है माइनस फाइव वह भी ओड है हूँ इधरों वन तो इधरों नाइन नहीं चुक सकते क्योंकि वन तो नाइन का डिफरेंस माइनस एट है वह ओड नंबर नहीं है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ओड क्या है जे इधरों टू चुकोगे इधरों आप फोर नहीं चुक सकते क्योंकि टू फोर का डिफरेंस ओड नहीं है टू सिक्स भी नहीं चुक सकते टू नाइन चुकना पैना जो टू चुकया इधरों नाइन चुकना पैना जे इधरों थ्री लिया इधरों फोर लेना पैना क्योंकि यह डिफरेंस भी ओड है इधरों थ्री लिया इधरों सिक्स लेना पैना यदा डिफरेंस भी ओड है थ्री दे नाइन नाइन के नाल नहीं लै सकते जे इधरों फाइव लिया उधरों फोर लेना पैना फाइव फोर का डिफरेंस ओड है फाइव सिक्स का डिफरेंस ओड है पर फाइव नाइन नहीं चुक सकते डिफरेंस ओड नहीं है ना फाइव नाइन का यह अपना रिलेशन आ गया रोस्टर फॉर्म च रिप्रजेंट करना ही यह रिप्रजेंट हो गया रोस्टर फॉर्म च नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा फोर्थ क्वेश्चन च की क्या रिलेशन फिगर 2.7 आदि गल की हुई है शोस रिलेशनशिप बिटवीन सैट्स पी एंड क्यू पी तो क्यू सैट का रिलेशन दिता है आप देखो ध्यान दे इनू कहने एरो डायग्राम राइट द रिलेशन पहला पार्ट है सैट बिल्डर फॉर्म बाद रोस्टर फॉर्म फिर वट इज इट्स डोमेन तो रेंज हूँ वेखो जरा आ एरो डायग्राम इदा बनी हुई देखो जरा फाइव कनैक्ट है थ्री नाल सिक्स कनैक्ट है फोर ना सैवन कनैक्ट है फाइव ना पहला पार्ट कहता भाई सैट बिल्डर फॉर्म च लिखो ये मैं लिखदा बाद चले पहला ना बाकी पार्ट कर लीए पहला सैकेंड पार्ट करते इन लिखा हूँ ही लिखा सैकेंड पार्ट है रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म तो सीधी सीधी हैगी है ना रोस्टर फॉर्म का तो कोई लेना देना ही नहीं
5.3 रोस्टर होम कड़ी सुखी है 5.3 6.4 6.4 ना कनेक्ट है 7.5 आ कि सौखा हो गया रोस्टर होम। अगे डोमेन ते रेंज लिखन नू गया, डोमेन पता ही है कोमे तो पहले वाला नंबर, आले नंबर डोमेन होंदे आ ते आले नंबर रेंज, इधर आले डोमेन ते इधर आले रेंज। डोमेन आना 5.6.7 ते रेंज की आना अपने को 3.4.5 रेंज आना 3.4.5। सैट बिल्डर फॉर्म का भुलेखा लगता बच्चे नू, पहला लिखना आर इज इक्वल टू x.y पा देना आप सच रैट आर इज इक्वल टू x.y ते इन्हों का डिफरेंस 2 नहीं है, इन्हों का डिफरेंस की है 2, मतलब इदा ही लिख दो x-y इज इक्वल टू 2, x.y माइनस करिए 2 ही होंदा पिया, इदा भी लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 2, इंग्लिश भी लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 2। तो x की वैल्यू डिफाइन कर दो, x की वैल्यू इधर वाली x की वैल्यू होंगी है ना 5.6.7, बस x की वैल्यू तुसी डिफाइन कर देनी है 5.6.7, दो का डिफरेंस है एक्स माइनस वाई इक्वल टू। सैट बिल्डर फॉर्म से इस करके आर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x.y पाया। ये भी हो गया फोर्थ क्वेश्चन। हम फिफ्थ क्वेश्चन देखो यार, अगे फिफ्थ क्वेश्चन चाहिए सैट ए दिता है 1 2 3 4 6 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 रिलेशन कि डिफाइन है उन सैट ए, ए ते बी दोवें सैट ए चो गए है, सॉरी इधर देखो फिफ्थ सम दी स्टेटमेंट दोबारा देखो 1 2 3 4 6 आर रिलेशन कि डिफाइंड है सैट ए ते, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, आर इज डिफाइंड बाय ए ते बी दोवें सैट ए नू बिलोंग करते पे है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब बी है दूजा नंबर, बी इतने दूजा नंबर है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, रोस्टर फॉर्म लभनी है, डोमेन लभनी है, रेंज लभनी है। देखो यार किदा करना सामने, फिफ्थ क्वेश्चन है आर दिता ए कोमा बी, ए ते बी सैट ए नू बिलोंग करते, ए भी लिखा है कंडीशन लगी है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी है दूजा नंबर, सैट ए दिता है 1 2 3 4 6 बच्चे 5 भी लिखते होंगे काली काली च। हूँ रिलेशन बनाना ए तो लैके ए तक, डिफाइंड रिलेशन ऑन ए क्या है, रिलेशन ए तो लैके ए तक बनाना, रोस्टर फॉर्म किदा बनानी बनेगी, सैट ए च 1 ले लिया कोमा पा के इधर भी 1 लिख दो, सारे इस नंबर लेने हैं ना, दूजा नंबर पहले ना डिविजिबल होंगे 1 तो सारे डिवाइड कर देना, देखो जरा मैं किदा लिख रहा, देखो दूजा नंबर जोड़ा है वह पहले ना डिविजिबल ही है, 1 1 डिविजिबल है, 2 भी 1 डिविजिबल है, 3 भी 1 है, 4 भी 1 है, 6 भी 1 डिविजिबल है, दूजा नंबर वड्डा होना चाहिए ज बराबर होना चाहिए ता ही डिविजिबल होएगा, 2 लवेंगे 2 2 लवेंगे 2 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 2 ना डिविजिबल थोड़ी है, 2 1 ना डिविजिबल है ना, जो डिवाइड करी दा वड्डा नंबर अंदर लिखी दा ना तो छोटा जा वड्डा, छोटा नंबर जा बराबर नंबर लिखी दा बाहर, 2 4 लिख सकते हैं 4 डिविजिबल है 2 ना, 2 6 लिख सकते हैं इदा ही, फिर 3 3 लिख सकते हैं 3 6, 4 4 लिख सकते हैं तो 6 6 लिख सकते हैं, आ रिलेशन बनना अपने को। तो आ गई अपनी रोस्टर फॉर्म, पहला पार्ट आ गया रोस्टर फॉर्म, सैकेंड पार्ट है गई डोमेन ते रेंज लभनी, कोमे तो पहला वाला नंबर होंदा डोमेन तो कोमे तो बाद वाला नंबर होंदा रेंज, डोमेन कोमे तो पहला वाला 1 1 कितनी वारी है, 1 वारी लिखना सैट च, 1 वारी सैट च लिखना, रेंज कोमे तो बाद वाला नंबर, कोमे तो बाद है 1 2 जड़ा 2 वारी आता पाया 1 वारी लिखना, यह आई नहीं ताड़ी रेंज, बहुत सौखा क्वेश्चन ही, बड़े आराम ना पता चल जाएगा, आराम ना कर सकते हो भी। अगे सिक्स क्वेश्चन देखो जरा,
determine the domain and range of the relation R defined by R is equal to x, x plus 5. X की value दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5. Domain ते range लबनी है. आ x की value दी हुई है अपन. X की value पर ये उधर. X की value पर आंगे सारिया भर के दूजे नंबर वाली value कट लो ना x plus 5 वाली. देखो यार कितना करना है. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ x, x ਪਲੱਸ 5 ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ x ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਭਰੋ ਇੱਥੇ 0 ਭਰਾਂਗੇ x ਦਾ 0 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ 0 ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ 0, 5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰੋ ਇੱਥੇ x ਦਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਪਲੱਸ 5 6 ਆ ਜਾਏਗਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਭਰੋ 3 ਭਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਰੋਸਟਰ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੋਮੇਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰੇਂਜ ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰੇਂਜ ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਸੌਖੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਵਨਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸੈਵਨਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਐਕਸ ਕੋਮਾ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਐਕਸ ਕੋਮਾ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਇਨ ਏ ਰੋਸਟਰ ਫੋਮ ਬਸ ਰੋਸਟਰ ਫੋਮ ਦੱਸਣੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਕੋਮਾ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 2 ਆਏਗਾ 3 ਆਏਗਾ 5 ਆਏਗਾ 7 ਆਏਗਾ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 2 ਹੋ ਸਕਦੀ 3 ਹੋ ਸਕਦੀ 5 ਹੋ ਸਕਦੀ 7 ਹੋ ਸਕਦੀ 10 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਐਕਸ ਦੀ 2 ਭਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸ ਦੀ 3 ਭਰਾਂਗੇ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 27 ਐਕਸ ਦੀ 5 ਭਰਾਂਗੇ 125 7 ਭਰਾਂਗੇ 7 ਇੰਟੂ 7 49 ਇੰਟੂ 7 343 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸਟਰ ਫੋਮ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਫੋਮ ਕੱਢਤੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ 8th ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਸੈੱਟ ਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈੱਡ ਸੈੱਟ ਬੀ ਦਿੱਤਾ 1 2 ਫਾਇੰਡ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਫਰੋਮ ਏ ਟੂ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਇਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸੈੱਟ ਏ ਟੂ ਬੀ ਜੇ ਸੈੱਟ ਏ 'ਚ ਪੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਸੈੱਟ ਬੀ 'ਚ ਕਿਊ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੀ ਕਿਊ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੀ ਕਿਊ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈੱਡ ਸੈੱਟ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਏ 'ਚ ਆ ਗਏ 3 ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਬੀ 'ਚ ਆ ਗਏ 2 ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਤੱਕ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੀ ਕਿਊ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ
जिन्ने सैट च एलीमेंट पे मल्टीप्लाई कर दो, सैट ए तीन पे इतने दो पे, दो की पावर च दो इंटू तीन, दो की पावर छे आ गया, 64 आंसर आ जाएगा, 64 आंसर आ जाएगा। अगे एग्जाम्पल नाइन देखो, क्वेश्चन नंबर नाइनथ देखो यार, लैट आर बी द रिलेशन ऑन जैड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, ए बी बिलोंग्स टू जैड, ए माइनस बी इज इंटीजर, ए माइनस बी इज इंटीजर, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। हूँ देखो जरा, सम दिता है आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, नाल दिता है ए ते बी जेड नू बिलोंग करते पे, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए कोमा बी बिलोंग करते पे जेड नू, जेड का मतलब इंटीजर ही होंदा है, डोमेन दसनी है ते रेंज दसनी है, ए हैगा सैट डोमेन वाला, ए किनू बिलोंग करता पा जैड नू, डोमेन सीधी जैड लिख देनी इंटीजर, बी दो नंबर का डिफरेंस इंटीजर ही होंदा हमेशा, दो इंटीजर लोग ना डिफरेंस इंटीजर ही होना है, तो बी भी जैड नू बिलोंग करता पाया, बी भी जैड आ जाना, मतलब इस समझ क्वेश्चन ही सीगा, कोई बहुता सोचने की लोड़ नहीं हैगी, ए जैड नू बिलोंग करता पाया डोमेन जैड आ गई, बी जैड नू बिलोंग करता पाया रेंज भी अपने को जैड आ गई, उन्हों का डिफरेंस भी इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर ही होंदा, कुछ अलग नहीं सोचना, बेसिक जहाँ सामी बस जैड जैड पा देना डोमेन के रेंज। हूँ तुहाडा होमवर्क हैगा एक्सरसाइज 2.1 रिपीट करनी तुसी सारे ने, ते एग्जाम्पल 7 तो लैके 9 तक एग्जाम्पल कर लियो, प्लस एग्जाम्पल 7 तो लैके एग्जाम्पल 9 तक कर लियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।